वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर होता क्या है, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि प्रेफरेंस शेयर क्या होती है। जैसे शेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहला पार्ट था इक्विटी शेयर और दूसरा पार्ट है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर तो ओनर हो गए हमारे कंपनी के, इक्विटी शेयर ही है जो पूरी कंपनी रन करते हैं, बिना इक्विटी शेयर के कंपनी नहीं चल सकती। सो प्रेफरेंस शेयर भी बहुत सारे रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस में, कंपनी में। तो अब हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर का रोल क्या रहता है, क्या काम करता है। पहले प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बनते हैं, वो कंपनी के को ओनर्स होते हैं। बट ये कंपनी के कंट्रोलर नहीं होती है। अब ये कंपनी के कंट्रोलर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट करने का काम ये करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेती है। इक्विटी शेयर्स इसमें वो रिस्क ले रहे हैं, उनको डिविडेंड रेट मिलता है, उनको उनका कैपिटल कंपनी में परमानेंट रहता है। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके साथ बहुत अलग तरीके का ट्रीटमेंट है, तो डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये कंपनी के कंट्रोलर नहीं है, ये बस कंपनी के को ओनर्स है। ओके, तो अब हम आते हैं कि फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर है क्या। तो सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत सारे इजी है, मतलब सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपको बस 5 मिनट ध्यान देना है, 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन अगर आपने एक बार ये टॉपिक पढ़ लिया, एक बार ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, आपको एग्ज़ाम में भी इसको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आपके दिमाग में रहेगा। तो जो वे में मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहो। तो हम आते हैं, पहला टॉपिक है प्रेफरेंशियल डिविडेंड। प्रेफरेंशियल डिविडेंड से क्या समझ में आता है, प्रेफरेंशियल मतलब उसका पहला मतलब होता है, प्रेफरेंस मतलब होता है किसी चीज़ को पहला दर्जा देना, उसको पहला मतलब उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना। प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि उसको पहले पे रखना, कि किसी और को देखने से पहले मैं उसको देखूंगा। तो यहाँ क्या होता है कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो डिविडेंड मिलता है, अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मतलब जो अमाउंट अगर हम कभी भी बैंक में भी अगर हम अमाउंट रखते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ चाहिए रहता है, वरना हम बैंक में क्यों दें, हम तो अपने घर पर भी रख सकते। तो बैंक में देने पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, हर किसी को 4% 5% डिपेंड करता है कि वो कौन से सेविंग अकाउंट या कौन से अकाउंट में रखा है। तो उसी तरीके से अगर हम किसी कंपनी को पैसा दे रहे हैं, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनता कौन है, आप मैं हमारे जैसे नॉर्मल इंसान क्या बनते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनते। तो अगर हमने किसी कंपनी को पैसा दिया तो हमें रिटर्न में कुछ चाहिए, तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। और वो डिविडेंड, यहाँ जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, किसको, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये जो डिविडेंड इनको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के पहले कंपनी को किनको देना पड़ता है, इनको, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ओनर है, उनको लेट मिलेगा चलेगा, बट इनको लेट नहीं मिलना चाहिए। तो इन्हें जो डिविडेंड मिलता है वो क्या मिलता है, प्रेफरेंस देकर, मतलब इन्हें पहले दिया जाता है, किससे, इक्विटी शेयर से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिस्क। रिस्क मतलब अभी बिजनेस में इनको रिस्क है या नहीं, मतलब उनका पैसा जाने का या डूबने का खतरा है या नहीं, रिस्क का मतलब ऐसे खतरा। तो मतलब रिस्क में अब इनके पास वैसा नहीं, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इन्हें रिस्क नहीं लेना रहता है, तभी ये कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को परचेस करते हैं। इनका जो अमाउंट रहता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनका अमाउंट रिस्क में नहीं रहता है, तो ये जो है वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो इस टाइप में कौन आ जाते हैं, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, प्रायर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रायर से वर्ड से समझ में आता है, प्रायर मतलब पहला, क्या चीज़ पहला, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल उन्होंने कंपनी में लगाए हैं, उन्होंने मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, इन्होंने जो पैसा, जैसे अगर समझ लो आपने क्या किया, 10,000 रुपया या फिर 1,00,000 आपके पास था, आपने सोचा बैंक में पैसा दूंगी, 5% इंटरेस्ट मिलेगा, इससे अच्छा
मैं पैसा दे देती हूँ एक कंपनी में, जो भी कंपनी आपने बजाज टाटा आपको जिसको देना आपने दे दिया, और वहाँ के क्या बन गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, यहाँ 10% या 12% एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो जो अब तो आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा है, डिविडेंड। तो यहाँ क्या होगा कि जो पैसा आपने 1 लाख दिया था, जब 3 साल या 5 साल के बाद आपका ड्यू डेट आएगा, मैच्योरिटी डेट, उस टाइम पे क्या होगा, जो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा ना, वो पैसा आपको फिक्स आपका सबसे पहले दिया जाएगा। किन से पहले? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, क्रेडिटर्स से पहले नहीं। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिक्स रिटर्न। फिक्स रिटर्न जो मैंने बताया था कि जो डिविडेंड मिलता है इनको, वो चेंज नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड क्या होता रहता है, चेंज होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, लाइक 50% 60% डिपेंड ऑन प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट जितना होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट उनको डिविडेंड मिलेगा, और अगर जितना कम प्रॉफिट या लॉस हुआ तो इनको डिविडेंड नहीं भी मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे 10% 12% जो उनके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, किसमें, प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट। ये एक पहले तो आता था, ये नॉर्मल फिजिकल फॉर्म में रहता था, कागज़ फॉर्मेट में, बट अभी मोस्टली डीमेट फॉर्म में हो गया है। डीमेट मीन्स ऑनलाइन फॉर्म में हो गया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल से क्या समझ में आता है कि कैपिटल का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये कैपिटल कंपनी में परमानेंट रहेगा, टेम्पररी रहेगा, कितने टाइम के लिए रहेगा वो कैपिटल, क्या बस कंपनी के एंड तक रुकने वाला है या फिर चला जाएगा आकर। तो यहाँ कैसा है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी टाइप होती है, 8 टाइप्स है। मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में वो आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ। बट यहाँ क्या होता है कि वो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो एक टाइम तक रहता है, जैसे 3 साल 5 साल, ये रिडीम हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जितनी उनकी मैच्योरिटी डेट रहेगी। तो ये इस तरीके से ये जो नेचर ऑफ कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर्स का, ये परमानेंट नहीं रहते कंपनी में, क्या हो सकते हैं, रिडीम हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स मतलब कंपनी के किसी भी मैटर पे वोटिंग देने का राइट है या नहीं। अब जब कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है या जो भी सिचुएशन आती है, तो हर चीज़ में बोलने का, कंपनी पे पूरा कंट्रोल किसका रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर का रहता है। बट ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं, वो लोग सारे नॉर्मल वोटिंग नहीं कर सकते, मतलब सारे मीटिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये तभी वोट करेंगे जब इनके इंटरेस्ट की बात होएगी, मतलब जहाँ इनका पॉइंट इन्वॉल्व रहेगा। अगर इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला था और 9% मिल रहा है, या कुछ भी चेंजेस हुआ, तो वहाँ उनकी जब ज़रूरत पड़ेगी उस मीटिंग में वो बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी बात चल रही है। अदरवाइज कंपनी के किसी भी मीटिंग में ये नहीं बोल सकते। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब हर एक शेयर का वैल्यू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, या फिर एक कीमत होती है। जैसे एक कीमत शेयर्स को, टोटल जो कंपनी के शेयर्स रहते हैं उनको क्या किया जाता है, एक शेयर में डिवाइड किया जाता है, कि पब्लिक 10 वाला शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर का एक वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ क्या होता है, मोर ऑर लेस ये जो मार्केट वैल्यू रहती है प्रेफरेंस शेयर की, चेंज नहीं होती है। एंड रीज़न क्या रहता है कि यहाँ क्या रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स मिलने वाला है, कंपनी को चाहे कितना भी प्रॉफिट हो या कंपनी को कितना भी लॉस हो, इनको तो कुछ इंटरेस्ट में, रेट ऑफ डिविडेंड में इनको चेंजेस नहीं मिलेगा। सॉरी, तो जो डिविडेंड में अगर चेंजेस ही नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ प्रॉफिट हो गए नहीं, तो मार्केट वैल्यू क्यों चेंज होगा। तो जो मार्केट वैल्यू चेंज होता है, मतलब कभी एकदम ज़्यादा टॉप पे भी जाता है और कभी एकदम लो पे भी जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स का जाता है, प्रेफरेंस शेयर का नहीं। तो यहाँ चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट और बोनस इशू। राइट और बोनस इशू मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो जो बोनस मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, इनको नहीं मिलता है। राइट इश्यू क्या होता है,
कि इन फ्यूचर अगर कंपनी कोई और नए शेयर इशू कर रही है तो वो भी इनको नहीं मिलेगी, ये उसके हकदार या उसके लिए लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उतना रिस्क नहीं ले रहे हैं, उस तरीके से इन्हें ये सारे राइट्स या ये सारे बेनिफिट नहीं मिल रहे। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है फेस वैल्यू। तो यहाँ ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसका जो फेस वैल्यू रहता है ये मोस्टली इक्विटी शेयर से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अगर इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू 10 रुपये है या 50 रुपये है तो इनका फेस वैल्यू मोस्टली 100 रुपये रहता है। तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू रहता है फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स का वो क्या रहता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर, ज़्यादा रहता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए हों। और अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपको सच में मेरे टॉपिक और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे, न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।